नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। दम घुटने से हुई नेशनल शूटर कोनिका की मौत। 18 फरवरी को होनी थी शादी। सोनू सूद ने भेजी थी जर्मन राइफल। सोनू सूद ने किया ट्वीट, आज धनबाद का ही नहीं पूरे देश का दिल टूटा। शॉपिंग में जुटी थी कोनिका। धनबाद की रहने वाली नेशनल शूटर कोनिका लायक की मौत लटकने की वजह से हुई। डॉक्टरों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई। पुलिस ने कोनिका का मोबाइल जब्त कर लिया है। इसे खोलने के लिए मोबाइल इंजीनियर की मदद ली जा रही है। मोबाइल से ही शायद कोई राज का खुलासा हो पाए। बुधवार को कोलकाता में रह रही कोनिका लायक की लाश उसके हॉस्टल में लटकते हुई मिली थी। गुरुवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने कोलकाता में ही कोनिका का अंतिम संस्कार कर दिया। कोनिका के पिता पार्थो लायक ने आत्महत्या के लिए किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि वह पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। पुलिस ने उनकी काफी मदद की है। कोनिका को राइफल खरीदने में मदद करने वाले सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस दुखद खबर से दिल पूरी तरह टूट गया है। जब कोनिका को राइफल भेंट की थी तो उसने मुझे ओलंपिक मेडल लाने का वादा किया था। आज वो सब खत्म हो गया। आज सिर्फ मेरा ही नहीं, सिर्फ धनबाद का ही नहीं बल्कि पूरे देश का दिल टूट गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।